कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपील की जा रही है, वहीं जनता भी इंसानी मानवता की मिसाल पेश करने में लगी हुई है, जिसका एक नज़ारा कानपुर में देखने को मिला, जहां लेबर मजदूर के साथ ही जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण कराया गया। पूर्व पार्षद रानू बाजपेयी के नेतृत्व में अपने वार्ड 70 कर रही के जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित करके उनको आटा दाल एवं तेल वितरित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग सह कार्यवाह दिनेश कटियार साहब, नगर कार्यवाह सुशील कटियार साहब व क्षेत्रीय जनता मौके पर रही। पूर्व पार्षद रानू बाजपेयी ने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम जनता के बीच में गली गली में जाकर गरीब और बेसहारा लोगों को चिन्हित करेंगे। इसके बाद उन लोगों को कच्चा भोजन जो कि हर रोज 100 से 150 लोगों को वितरण करेंगे। इसके बाद जनता को जागरूक भी किया जाएगा। मानवता की मिसाल को लेकर कहना था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अप्रैल रात को 9 बजे और 9 मिनट तक अपने घरों में लक्ष्मण रेखा समझकर घर से बाहर ना निकले और दीपक टॉर्च और मोमबत्ती जलाएं, उनका समर्थन करें। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज वितरण किया गया, कहाँ पे किया, किसने किया, क्या क्या वितरण किया? मेरा नाम है छोटे और ये भाजपा के कार्यकर्ता श्रम वाजपेयी के द्वारा और माननीय अध्यक्ष जी हैं, और ये दाल आटा चावल तेल ये गरीब जनता जो हमारे व्यक्ति लोग हैं बहुत नॉर्मल किस्म के, इन लोगों को वितरण किया गया 101। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री बराबर जनता से अपील करते चले आ रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो क्या ये इस सब लोगों को जागरूक किया जाता है कि जैसे ये दूरियां बना के 1 मीटर में रहें, और ये आज जो प्रधानमंत्री ने आवाज़ दिया है कि 9 बजे 9 मिनट आप चिराग दिया टॉर्च ये सब आप अपने घरों से बालकनी या दरवाजा है आप घर की लाइट बंद करके। अच्छा, ये बताइए जो प्रधानमंत्री बराबर जनता से कह रहे हैं, इसको लेके कितना लोग समर्थन कर रहे हैं और क्या खाने पीने की कोई दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है क्या? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि आप हम इससे कोरोना वायरस से हम जीतेंगे, तो इसके लिए जो है सभी लोग को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप दूरी बना के रहें, अपने घरों में रहें। मैं क्या वितरण किया जा रहा हूँ, कहाँ पे वितरण किया जा रहा हूँ? ये दिनेश कटियार मेरा नाम है, से विभाग कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कानपुर विभाग, और ये यहाँ जो हमारा संघ की तरफ से माधव नगर है, वैसे विश्व बैंक की योजना का के ब्लॉक का ये पार्क है, और श्रवण कुमार वाजपेयी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये भाजपा में भी कार्य करते हैं और संघ के लिए भी कार्य करते हैं। उनके सौजन्य से, इन्होंने हम लोगों की प्रेरणा से इतनी व्यवस्था करके गरीब लोगों को, वाकई जो सुपात्र हैं उनके चिन्हित करके, पूर्व में ही चिन्हित किया, लिस्ट बनाया और सबको एक एक नाम बुला कर दे रहे हैं। और ऐसा ये कार्य जब तक ये कोरोना का लॉकडाउन सिस्टम चलेगा तब तक इन्होंने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कार्य कैसे करेंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने आज अपील किया था, शाम 5 बजे दिया और दीपक जला करके घर पर सभी लोग रहेंगे, फिर आपका क्या? हाँ, ये बहुत अच्छा उनका सुझाव था और है, हम सब लोग इसका पूरा अक्षरशा पालन करेंगे और सभी से आह्वान करते हैं कि इसका पालन करें, क्या ये एकदम प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक उनका आह्वान है कि जो हम लोग इस तक कोरोना जैसे एकदम अवसाद में लोग चले गए, घबरा रहे हैं, इसलिए वो एक प्रकाश की ओर ले जाने का उनका उपक्रम है, और हम सब लोग शायद उससे करने के पश्चात एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे, और ईश्वर चाहेगा तो हम लोग कोरोना से बहुत जल्दी ही मुक्त होंगे। आज जो वितरण किया, क्या क्या सामग्री वितरण की और कितने लोगों को वितरण किया था? इसमें खाद्य रा मटेरियल है, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, ये इत्यादि 1-3 दिन के लिए लगभग पर्याप्त एक छोटे परिवार के लिए सामग्री है, और लगभग 50-55 परिवारों को भी बांटे, 101 परिवारों को इन्होंने आज ये वितरण कराया है और कल से ऐसे ही जारी रहेगा लगातार। अच्छा, कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री बराबर जनता से अपील कर रहे हैं, तो आप लोग जो कोई चीज़ का वितरण करते हैं तो क्या जनता से अपील करते हैं, जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, इनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमारे बराबर कार्यकर्ता काम कर भी रहे हैं, और हम लोग स्वयं भी आह्वान करते हैं जो वितरण करने में भीड़ ना लगाएं,
दूर रहें, अपने घरों में भी इकट्ठा ना हो, इत्यादि इस तरीके के जितने भी प्रिकॉशंस हैं वो इनको एजुकेट करते हैं समाज के लिए, और कहीं इधर उधर लॉकडाउन को भी ना तोड़ें ऐसा भी बोलते रहते हैं। और अभी जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं चैनल के माध्यम? इसका मैसेज एक सबसे अच्छा मैसेज है कि अपना बचाओ, और ये जो इसके सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन ये दो फॉलो कर लेंगे तो यही इसका इलाज है। अपनी सुरक्षा ही समाज की सुरक्षा है। हम स्वयं सुरक्षित अगर रह ले, आइसोलेट कर लेंगे तो हम समाज को ही सुरक्षित कर लेंगे, ऐसा सबका सोचना होना चाहिए और इसको पालन करना चाहिए, और इससे हम सब लोग जीतेंगे। भारत में बहुत तेज़ी से हम लोग उसकी सुधार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ऐसा अपने आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और सरकारी मशीनरी भी लगी है। ठीक।